हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेट्योर का टैंक टू टैंक माइलेज बताने जा रहा हूँ कि कितना माइलेज देती है ये। अभी मैं आज जो ओवरऑल सुबह की जो राइड हुई है उसमें मैं बताऊँ तो ये ट्रिप ए है, इसको मैं छोड़ूँ तो ये ट्रिप बी पे मैं बात करूँगा। क्योंकि ट्रिप बी जब मैंने किया था तब मैंने पेट्रोल इसमें फुल किया था, फुल टैंक, और उसके बाद ये बाइक जो चली है 314 किलोमीटर की राइड अभी तक ये कंप्लीट कर चुकी है। अब इसमें देखते हैं कि कितना पेट्रोल आता है 314, और मैक्सिमम नॉनस्टॉप राइड रही है ये। और अगर मैं फीलिंग की बात करूँ और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दैट वाज रियली नाइस। और अब बात कर लेते हैं, इसको पेट्रोल भरवा के देखते हैं, फील करवाने के बाद ये देखते हैं कि ये कितना माइलेज देती है मेट्योर 350। तो चलिए देखते हैं, पेट्रोल भराते हैं और फिर देखते हैं। और ये आ चुका है पेट्रोल पंप, और फिल कराते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं और आउटकम फाइनल जो है मैं आपसे शेयर करता हूँ। और फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये टोटल जो किलोमीटर कवर किया बाइक ने 315, और 7.46 लीटर जो है इसके अंदर में पेट्रोल आया है। अब 315 किलोमीटर ओवरऑल है, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ तो 315 डिवाइडेड बाई 7.47, ये अप्रॉक्स 42 का जो है माइलेज क्लेम कर रही है, जिसमें कि मैं थोड़ा बहुत अगर करूँ तो 40 तो अप्रॉक्स है ही है ये माइलेज। 40 का माइलेज ये बाइक जो है अप्रॉक्स मिल रहा है। और ये जो मैंने टैंक टू टैंक कैलकुलेट किया उस पर है, पहला जो मैंने किया था उस ट्रिप से 315, 7.46 मैंने इस पर अभी फिलअप कराया, उसके बाद ये 42 का माइलेज आ रहा है। हो सकता है क्योंकि बहुत ही लॉन्ग रन और बहुत ही हाईवे रन, जो पूरा का पूरा हाईवे रन था, और कहीं भी इसमें ब्रेकिंग और इन सब चीज़ों का नहीं रहा, तो उस कारण से भी हो सकता है ये बाइक ने इतना माइलेज दिया हो। और अप्रोक्स 40 का तो मैं लेके चलता ही हूँ कि माइलेज इस बाइक ने दिया है, तो नॉट बैड। इतनी पावरफुल बाइक और अगर ये 40 दे रही है, 38 भी दे रही है, तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई गलत दे रही है, सही दे रही है। तो आई होप आपको ये मेट्योर का जो माइलेज का ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।